Bismillahirrahmanirrahim. This is our lab session number 7, which is last session from the machine shop lab, in which we have to deal with the Schaefer machine and its very basic things, starting from its definition, its working principle, and its main parts and their functions, and then moving towards actually making use of a Schaefer machine to machine a part and convert the raw material into finally finished form. So let's start this lecture. Outline of this lecture will be, first of all, we will be discussing safety precautions and how a Schaefer works and applications, and after that I will talk about the types and what is basically a definition of a Schaefer. Then I will talk about the important parts and formulas. Then I will talk about the quick return mechanism, which is being used in the Schaefer machine, which is available in the workshop lab in Khwaja Free University of Engineering Information Technology Mechanical Engineering Department. So first of all, safety precaution is very important. If someone wants to work in laboratory, in machine shop, then he needs to adhere to the precautions that are labeled, that are given at the start of the session. For example, yahan pe jaise ab hum machine shop ke bilkul start ke andar ab yahan pe dekh rahe hain ki kaise jo hai Schaefer ko agar use karna hai to usse pehle mein kin precautions ki zarurat hai. Abhi filhal to aap ghar mein baithe hue ye lecture le rahe hain, jab aap फिजिकली काम करेंगे तो इन चीज़ों को देखना और इन पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ये आपने अभी पढ़नी है, इनको गौर से देखना है. फाइनल एग्जाम के हवाले से अब सारी चीज़ें अब कवर कर रहे हैं हम, तो फाइनल एग्जाम किसी भी चीज़ में से हो सकता है. तो ये चीज़ें आपने साथ साथ ले चलिए, इनको पढ़ लें, इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल जो है ना नॉन टेक्निकल थ्योरेटिकल बातें, कोई मसले वाली बात नहीं इसमें. नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेपर और इसकी टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं. शेपर मशीन क्या है, शेपर में और लेथ मशीन में क्या डिफरेंस है? दोनों मशीन टूल हैं और दोनों वर्कशॉप लैब के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन शेपर के वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द लेथ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम ऐसे वर्क पीसेज के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं जो जिनको फाइनली हमें जिनकी फ्लैट सर्फेस रिक्वायर्ड होती है, फ्लैट सर्फेस के ऊपर कोई ऑपरेशन हमने करना होता है, ठीक है. और टूल को रेसिप्रोकेट करते हैं हम, इंस्टेड ऑफ कीपिंग स्टेशनरी एज वी डिड इन लेथ मशीन, यहाँ पे हम जो टूल है इसको हमने रेसिप्रोकेटिंग मोशन देनी है, टू एंड थ्रू मोशन देनी है, और जो हमारा वर्क पीस है वो बिल्कुल स्टेशनरी इसके अंदर होता है और वर्क पीस इसमें मूव नहीं करता, ना वो रोटेट करता है ना वो टू एंड थ्रू मोशन करता है. तो ये जब डिमॉन्स्ट्रेशन इसके साथ ही मैं अटैच करके आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं. सेकेंडली, इसकी जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सारी थ्योरेटिकल बातें और थ्योरी के अंदर ये डिटेल में गिवन है. फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द आर्म, रैम इसकी जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. रैम के बारे में अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि कौन से जो है ना रैम क्या काम करती है. रैम एक खास पार्ट होता है जो बिल्कुल टॉप के ऊपर होता है, और ये टू एंड थ्रू मोशन यही रैम ही देती है हमारे टूल को. और ये टू एंड थ्रू मोशन कहाँ से आ रही होती है, मोटर से आ रही होती है, लेकिन हम मोटर आउटपुट के ऊपर रोटरी मोशन देती है, लेकिन रैम टू एंड थ्रू मूव कर रही है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दरमियान में कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो रोटरी मोशन को, रोटरी पावर को टू एंड थ्रू मोशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है. तो उन मैकेनिज्म्स के डिफरेंस की वजह से जो टाइप बनेंगी वो हम यहाँ पे तीन देखेंगे, क्रैंक टाइप होता है, गियर टाइप होता है, हाइड्रोलिक टाइप होता है, ठीक है. तो अब जो क्रैंक टाइप है और गियर टाइप है और हाइड्रोलिक टाइप है, इनमें डिफरेंस करता है ये, अगर हम चले इन्हीं को तीनों को देख लेते हैं. क्रैंक टाइप के अंदर हम बेसिकली अगर गौर करें तो हमें पता है जिस तरह गाड़ी के इंजन के अंदर क्रैंक मैकेनिज्म के जरिए से ये जो है वो चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं और जो पावर ट्रांसमिट हो रही होती है, क्रैंक जो है हमारे इंजन की टू एंड थ्रू मोशन को व्हील की रोटरी पावर के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है. तो ये यहाँ पे रिवर्स तरीके से चलती है और यहाँ पे जो है वो क्रैंक क्या करती है, क्रैंक जो हमारी रोटरी मोशन है मोटर की उसको टू एंड थ्रू मोशन के अंदर कन्वर्ट करती है. उसके बाद गियर टाइप होता है और हाइड्रोलिक टाइप होता है. गियर टाइप में गियर लगा हुआ होगा जो कि हमारी
हम इसकी डिटेल आगे जाके देखेंगे। और इसी तरीके से हाइड्रोलिक जो है वो हाइड्रोलिक से मुराद हमें पता चल जाता है, जैसे नाम आता है कि हाईली प्रेशराइज्ड ऑयल है, उसकी वजह से जो है वो मोशन को ट्रांसमिट किया जा रहा है, फोर्स को ट्रांसमिट किया जा रहा है ऑयल के जरिए से पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन के साथ जो कनेक्टिंग रॉड होता है दैट इज कनेक्टेड विद द रैम, और वो रैम की टू एंड फ्रो मोशन को अचीव करने में हमारी मदद करता है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा बाकी जो टाइप्स हैं, ये सारी की सारी टाइप्स देखी जा सकती हैं हमारे जो लैब मैनुअल आपको दिया गया उसके अंदर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द रैम, इसमें देखें तो हॉरिजॉन्टल टाइप है, वर्टिकल टाइप है। हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि अगर जो रैम की मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होगी तो इसे हम हॉरिजॉन्टल टाइप कहेंगे, अगर वर्टिकल होगी तो वर्टिकल टाइप कहेंगे। ठीक है। और जो यूनिवर्सल है उसके अंदर जो हमारा बेड है यानी कि टेबल जिसके ऊपर हमने 22 और 22 के अंदर वर्क पीस को होल्ड किया हुआ होता है, उसकी मूवमेंट के जो है वो एक से ज़्यादा एक्सिस होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, वर्टिकल मूव कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। ठीक है। इसी तरीके से बाकी सारी टाइप्स होती हैं जो कि आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेबल किए हुए पार्ट्स हैं लेस में, सॉरी शेपर मशीन के। इसमें सबसे ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको रैम, ये जो पार्ट है इसे हम रैम कहते हैं। ठीक है। ये वाला पार्ट ये ही टू एंड फ्रो मूव करता है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जो मैं साथ अटैच करूंगा, तो ये पार्ट मूव करता है। इसके बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पे लगा होता है टूल, और यहाँ पे नीचे ये जो वाइस है इसके अंदर हमने यहाँ पे वर्क पीस को होल्ड किया होता है, तो वर्क पीस के ऊपर से मटेरियल को रिमूव किया जाता है यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विच इज हेल्ड इन दिस क्लैपर बॉक्स। ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट व्हील्स और माउंटिंग्स लगी हुई हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है ये आपको वीडियो के अंदर जब डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा तो ये मैं समझाऊंगा। इसके बाद हमारे पास शेपर काम कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटर की रोटरी पावर है उसको कन्वर्ट करना है टू एंड फ्रो मोशन के अंदर, तो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं। एक मैकेनिज्म ये है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, ये मैंने जो आपको कहा था आगे आएगा, तो इस तरीके से चलता है ये। दरमियान में ये जो लगा हुआ है एक गियर आपको सामने से नजर आ रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है विद द पावर शाफ्ट, ये डायरेक्ट मोटर से भी आ सकती है या फिर जो पावर ट्रांसमिटिंग शाफ्ट है वहां से भी इसमें जो है वो रोटरी पावर आ सकती है। और उसके साथ ही बिल्कुल अगर आप देखें तो आपको एक बेवल हेलिकल बेवल स्पार गियर एक आपको नजर आ रहा है, ये कनेक्टेड है इसके साथ, और ये आगे फिर जो है इस ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है। ये जब रोटेट करता है तो ये ब्लॉक रोटेट करवाता है इस पूरे के पूरे वाइब्रेटिंग आर्म को, ये इस तरीके से मूव करता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये वाली जो रैम है ये ऊपर जो रैम लगी हुई है ये इसकी मूवमेंट की वजह से मूव करती है। तो बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है जिसे हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म कहते हैं, लेकिन ये हमारी शेपर के अंदर यूज नहीं हो रहा, हमारी शेपर के अंदर जो यूज हो रहा है उसे हम विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहते हैं, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ये काम इस तरीके से करता है, जब हम फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर ये कटिंग करेगा और बैकवर्ड स्ट्रोक के अंदर ये आइडल जाएगा, यहाँ पे जो क्लैपर बॉक्स होता है उसके अंदर ये ऐसी अटैचमेंट होती है कि जब ये फ्रंट पे जाता है तो मटेरियल को यहाँ से रिमूव करता हुआ जाता है, जब ये वापसी रिटर्न स्ट्रोक के अंदर जाता है तो यहाँ से मटेरियल को रिमूव नहीं करेगा बल्कि ऊपर से स्लाइड करता हुआ वापस चला जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह करके ये चार मैकेनिज्म है, इनकी डिटेल्स आपने ले वहाँ पे हमारा जो लैब मैनुअल है उसके अंदर से आपने इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये फ्लैट सर्फेस बनाने के काम आता है। ठीक है। ये हमारे पास ये डिफरेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, कीवेज बनाए जा सकते हैं, स्लॉट मेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, वी ग्रूव बनाए जा सकते हैं, यू ग्रूव बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और सर्फेसिंग के काम आता है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम शेपर मशीन को यूज़ करते हैं। ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम कैलकुलेशन करते हैं कटिंग स्पीड की और टाइम टेक फॉर कटिंग और मटेरियल रिमूवल रेट और स्ट्रोक लेंथ कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कटिंग स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला है NL1+M/1000 एंड यूनिट है मीटर पर मिनट। एन इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हैं और जो एल है ये यहाँ से अगर हम देखें स्ट्रोक लेंथ है और एम टाइम टेकन फॉर वन स्ट्रोक है, टाइम टेकन फॉर वन स्ट्रोक। ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से ये होता है और इनके अंदर वैल्यूज पुट करें तो हमें कटिंग स्पीड की वैल्यू पता चल सकती है। ठीक है। और इसी तरीके से फीड होती है जो हम खुद